कथावाचक प्रदीप मिश्रा पर आग बबूला हुए संत प्रेमानंद महाराज, बोले नरक जाओगे तो मामले ने पकड़ा तूल, तो कथावाचक प्रदीप मिश्रा को भी देना पड़ा जवाब। प्रदीप मिश्रा का जवाब सुनकर दंग रह गए सब। हमारे साथ समझिए इस विवाद का पूरा रंग। इस समय राधा रानी के अनन्य भक्त प्रेमानंद महाराज बेहद क्रोध में है और कारण है कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा। अब इसके पीछे कारण क्या है? कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या किया कि प्रेमानंद महाराज को क्रोध आ गया, और प्रेमानंद महाराज के क्रोध को शांत करने के लिए पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा, हम आपको यही पूरी घटनाक्रम क्रमवार समझाएंगे और बताएंगे। दरअसल इस समय राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी का मामला बेहद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वृंदावन के संत इससे नाराज हैं और तो और प्रेमानंद महाराज तो प्रदीप मिश्रा की बातों पर बेहद क्रोध में हैं। उन्होंने कथावाचक को लेकर यहां तक कह दिया था कि तुझे नर्क जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है और वृंदावन के संतों को सम्मान के साथ जवाब दिया है। साथ ही राधा रानी के मायके वाली बात पर अड़िग हैं, लेकिन इसको लेकर उन्होंने कहा है कि राधा रानी मेरी माँ है और मैं उनकी चरणों का सेवक हूँ। इस मामले को लेकर मिली जानकारी के अनुसार राधा रानी विवाद के बीच पंडित प्रदीप मिश्रा खंडवा के ओंकारेश्वर में कथा सुना रहे हैं। इसी बीच उन्होंने कहा कि जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने आगे कहा कि जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ प्रमाण लेकर जाओ। मुझे वहां के विद्वानों ने कहा कि हम यहाँ सभा रखेंगे, आप पधारे, उसमें अपनी बात रखना। हमारे यहाँ पत्र आया, हमने भी पत्र के माध्यम से उन्हें सूचना दी कि हम पहुंचेंगे, वहां पर बात करेंगे। तो वहीं इस मामले को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा कि इसका प्रमाण हम पहले दे चुके हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि में सीहोर वाला महाराज गलत है तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे, जैसे माता जानकी प्रमाण दे देकर आखिरी में जमीन में चली गई पर उनकी किसी ने नहीं मानी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो। इसको लेकर प्रदीप मिश्रा ने आगे कहा कि क्या प्रमाण चाहिए, मेरी माँ ने सौगंध खाकर बैठाया था कि इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्म वैवर्त पुराण राधा रानी का संवाद बोला, राधा रहस्य में से राधा का संवाद बोला, गौड़िया संप्रदाय के कालीपीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद जिसमें लिखा है जो हमने बोला, प्रसन्नता व्रत 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहां जाकर दर्शन करो, जावट गांव में उसका प्रसंग कहा, इसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको। बात है राधा रानी की तो वो मेरी माँ है, माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, खानदान और कुटुंब पड़ा है। इस मामले को लेकर आगे पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज विद्वत संत हैं, उनके चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई और नहीं होंगे। अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता उनके चरणों में पहुंचता और उनसे बात करता। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनकी जिव्या पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो गया। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि ये विवाद कैसे और कब खड़ा हो गया। दरअसल बीते दिनों सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक कथा के दौरान लोगों से पूछा था कि राधा जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो लोगों ने कहा कि बरसाना की, जिस पर पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा था कि राधा जी बरसाने की नहीं रावल गांव की रहने वाली हैं और बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी, वो साल में एक बार कचहरी में जाती थी, इसलिए उनका नाम बरसाना है, यानी बरस में एक बार आना। इतना ही नहीं, प्रदीप मिश्रा ने इसको लेकर आगे कहा था कि कृष्ण की पत्नियों में भी राधा का नाम नहीं है, उनके पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था, और राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। बस यही शब्द प्रेमानंद महाराज को चुभ गए और विवाद खड़ा हो गया। फिलहाल आप इस विवाद को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।